तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टोटल फन। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ शिव महापुराण सेकंड दिन जो भिलाई में हो रहा है उसके ऊपर। और वहाँ पे लगभग 6 लाख से ज़्यादा का भीड़ हो चुका था। और जब कथा खत्म हुआ तब उसके बाद जब लोग वहाँ से निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा भगदड़ टाइप का हो गया था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मैं लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ। ओकर पैर एकदम नहीं चला थी, ओकर पैर ठीक हो गई। ये देख सकते हैं आज का जो है कथा जो है विश्राम हो चुका है आज का। और बहुत ज़्यादा भीड़ था, आज भी जो है लोग जो है कथा रसपान करके जो है बाहर जा रहे हैं अपने घरों के लिए, या जहां सगा होंगे वो अपने संबंधित लोगों के यहां रुकने के लिए जा रहे हैं। आइए लोगों लोगों से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। मुसरावा कर लान डोरकी ले ऐसे का। हाँ तो अभी घर घर जाऊ की रुको, घर जाबो। श्री शिवाय नमस्ते। आपका कथा रसपान किए? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं हम लोग? सेक्टर 5 से ही है। सेक्टर 5 से ना? हाँ ठीक है, रोज आ रहे हैं अभी कथा सुनने? नहीं मैं कल नहीं आ पाई थी, आज आई हूँ। अब पाऊंगी, एक दो दिन लगाता। प्रतिदिन आओगे ना? जी 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 जी। आज अच्छा लगा कथा? बहुत अच्छी लगी कथा, जगह मिला था अच्छे से सामने बैठ कर। हाँ ये फर्स्ट वाले स्टॉल में बैठी थी, अच्छी जगह मिली एकदम मेरे को। ये दीदी जी है जो फर्स्ट फ्लोर में था और बहुत सुंदर कथा का रसपान भी आज किया है, कल भी आएंगे? हाँ कल भी आऊंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आई? यही से हूँ। यही से ना? हाँ रोज आ रहे हैं? हाँ रोज आ रही हूँ। कैसे लगा थे? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा ना? मन बढ़िया। आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो यही पावर हाउस से आई हूँ। पावर हाउस से ना, देख सकते हैं सभी। हाँ 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 रोज आएंगे सातों दिन। रोज ऐसी कथा और बार बार होनी चाहिए, होनी चाहिए, होना चाहिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कथा से प्यार चल रहा है, बहुत एक नंबर है। सेक्टर 6 से आई हूँ मैं, पावर हाउस से। ठीक ठीक ठीक, देख सकते हैं। और इधर जो है पानी वितरण कर रहा है जो प्यासे होंगे उन लोगों के लिए, यहाँ सेवा समिति द्वारा जो है कैमरामैन से चाहूँगा ये जो यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं भाइयों को, देख सकते हैं सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप पूरे 7 दिनों तक करोगे भैया? 7 दिनों भी है, 7 दिन सुबह से शाम रात तक। जितना बेर देखो उतना बेर उतने। हाँ 24 घंटा पानी। क्या नाम है भैया? पंकज। पंकज सिंह, देख सकते हैं सेवा प्रदान कर रहे हैं और बातचीत करते हैं। जो देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, पूरे कचाकच जो भरा हुआ था स्टेडियम, अब स्टेडियम से लोग जो है अपने घरों के लिए अभी वापस आ रहे हैं, अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और इधर जो सेवा समिति द्वारा उचित जो है पेयजल की व्यवस्था किया है, देख सकते हैं भाई लोग ने एक नई तकनीकियों के साथ नल के साथ जो है इन लोगों को जो है जल पियाया जा रहा है। आइएगा आप सबको मैं थोड़ा सा अगर बनता है तो भीड़ को जो है दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ से चक्कर जो है कवर करें। ये जो देख सकते हैं काफी भीड़ है, लगभग लगभग मेरे को लगता है लगभग आधा एक घंटा जो है खाली होने में लग सकता है ये भीड़। और इधर जो है काफी खुश है जो पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ आयोजक वाले लोग, बहुत ये भी लोग लगे हुए हैं ताकि किसी को जो है किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। मैदान पूरा खचाखच देख सकते हैं, इतना ज्यादा पब्लिक से भरा हुआ है जिनकी तुलना अपने हम शब्दों से जो है नहीं कर सकते। जिधर आपका नजर जाएगा
है उधर तक पूरा पब्लिक पब्लिक नजर आ रहा है। लगभग आज 5 लाख के करीब होगा ना भैया, 5 लाख के करीब आज जो है दर्शक दीर्घता बता रहे हैं कि मैं कम बोल रहा हूँ करके, और ज्यादा भी हो सकता है उसका आकलन हम नहीं लगा सकते। आयोजक समिति बताएंगे कि कितना होगा, चर्चा करेंगे आयोजक समिति वालों से कुछ ही समय पश्चात। व्यवस्था में लगे हुए हैं पूरे समिति के जो सदस्यगण हैं। खैरागढ़, खैरागढ़ से आओ ना, देख सकते हो बहुत दूर दूर से लोग मन पहुंचे हैं। आयोजक समिति वाले भाई साहब मन भी है जो निरंतर जो है ये योजना लो सफल बनाए में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आओ? दीदी खैरागढ़ से, भिलाई से ना? हाँ। मन दीदी भिलाई से? हाँ। कैसे लगी इस कथा? एकदम अच्छा लगी। सुने हमें गांव से आए भैया, बहुत दूर से आए हैं। कहां से? गांव से। कौन गांव? देखिए पथ पे जो बनाया, कौन सा जिला? राजनांदगांव जिला। देख सकते हो दीदी मन बाहर दूर दूर ले आवा थे और कथा के रसपान करे भर जावा थे। खाली हो गए अभी मैदान, धीरे धीरे खाली हो थे और बीच के जो डोम है पंडाल है वो अभी तक भी खाली नहीं हुआ है। दीदी जाक बातचीत कर बो अब। कैसे लगी भाई आज का, आज के कथा? बहुत अच्छा लगी से हमारा कथा। शनिवार के दिन के आए हुए हैं, हमारे हालत बिलाई कर यही के शनिवार से आन जगत रायपुर भी गए, बिलासपुर भी गए। ऐसे कुछ परिवर्तन आए घर में? हाँ, कुछ परिवर्तन में बता दे तो। लाभ कहाँ कहाँ हुए? और बहनी है वो, ओकर पैर एकदम नहीं चला जिससे ओकर पैर ठीक हो। ऐसे का पैर ठीक हो गए ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना। अगले वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।